हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दर एंसर क्लासेस आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि चैप्टर नंबर थ्री से हैं और टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और इसी का पार्ट वन हिज फर्स्ट फ्लाइट के कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हैं ये तो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हेयर आपको बताना बताने व्हाट वाज यंग सीगल अफ्रेड ऑफ ऑप्शन आर फ्लाइंग प्लेइंग रनिंग और हाइडिंग एंड द करेक्ट आंसर इज फ्लाइंग नूव टू क्वेश्चन नंबर टू वट डि दंग सीगल फील अबाउट हिज विंग्स यंग सीगल को अपने विंग्स के बारे में अपने पंख के बारे में क्या डाउट था क्या सोचता था वो और उसे लगता था कि दे वुड नेवर सपोर्ट हिम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पिक आउट द सिमिलर वर्ड वर्ज आपको वर्ज वर्ड का सिमिलर यानी मैच होता वर्ड बताना है सेम वर्ड बताना है ऑप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है यहां पर ब्रिंक क्वेश्चन नंबर फोर में आपको बताना है व्हाट डज द फ्रेज ऑन हिज लेज मीन ऑन हिज लेज का मतलब आपको बताना है तो ऑप्शन आप देखिए ध्यान से लुक एट द ऑप्शन वेरी केयरफुली और करेक्ट आंसर है यहां पर ऑप्शन डी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए फॉर हाउ मच टाइम हैज यंग सीगल बीन अलोन यानी बिल्कुल अकेला था कितने टाइम के लिए फोर्टी फाइव मिनट ट्वेंटी फोर आवर्स थ्री डेज और वन वीक और करेक्ट आंसर है ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको बताना है कि पूरा का पूरा परिवार सीगल का पूरी फैमिली जो है उसे टॉन्ट क्यों कर रही थी क्यों उसे चिढ़ा रहे थे वो लोग तो ऑप्शन है फॉर हिज फूलिश एक्ट फॉर हिज लाइंग और फॉर हिज ब्रेवरी और फॉर हिज कॉवर्डिस तो वो लोग उसे टोंट कर रहे थे उसके डरपोक होने की वजह से कि वो बहुत डरपोक है और जंप नहीं कर रहा था वो क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको बताना है कि कंज्यूम से मिलता जुलता वर्ड क्या होगा ऑप्शन है डेवर हॉरिंग कैकल और क्लिफ और करेक्ट आंसर है यहां पर डेवर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट के लिए व्हाट इज हिज कॉवर्डिस स्टैंड हेयर फॉर यहां उसकी कॉवर्डिस का क्या मतलब हुआ तो लुक एट द ऑप्शन करेज ऑफ फाइट वीकनेस ऑफ विंग्स एक्ट ऑफ टाउंटिंग फियर ऑफ फ्लाइंग और करेक्ट आंसर है फियर ऑफ फ्लाइंग क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको बताना है व्हाट द यंग सीगल डू आउट ऑफ लेज यानी उसने अपनी लेज से ऐसा क्या किया और आपको जो है इसका एग्जैक्ट मतलब बताना है मींस प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग स्लीप और कॉट ऑफ फिश और डोज विद हेड संक इन टू हिस नेक और प्लेड विद हिज सिवलिंग तो एक्चुअल उसने क्या किया था उसने सोने का नाटक किया था अपनी एक लेग जो है छिपा ली थी अंदर और ऐसा प्रिटेंड किया वन बाय वन उसने आईज क्लोज कर ली थी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन के लिए व्हाट वाज सीगल्स फादर डूइंग आपको बताना सीगल के पिता क्या कर रहे थे लुक एट द ऑप्शंस वेरी केयरफुली नाउ और करेक्ट आंसर है प्रेनिंग द फेदर्स ऑन हिज व्हाइट बैक क्वेश्चन नंबर इलेवन में आपको बताना है व्हाट डज प्लेटो मीन प्लेटो का मतलब क्या हुआ तो लुक एट द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन हियर आपको प्लेटो का मतलब बताना है प्लेटू क्या होता है और करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के लिए वट मेड द यंग सीगल टायर्ड ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से यंग सीगल बहुत थक चुका था तो ऑप्शन आपके सामने हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट ओवर ईटिंग स्टैंडिंग ऑन वन लेग फॉर लॉन्ग और फियर ऑफ फॉलिंग और करेक्ट आंसर है हिज फर्स्ट फ्लाइट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर के लिए विच वर्ड इज द सेम एज इनवाइटिंग आपको बताना है इनवाइटिंग से मिलता जुलता वर्ड क्या है ऑप्शन आपके सामने है लैंडेड फ्लोरिंग बैकनिंग और फ्लैपिंग और करेक्ट आंसर है यहाँ ऑप्शन सी तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा लेकिन इसी के अलावा एक और वीडियो भी आपको दूंगा जिसमें वन वर्ड या वन मार्क क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड सो Thank you really very much for watching Taran Sir classes and have a very nice day.